वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। अब कैसे हो? होप करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। सो गाइस, अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैंने नहा लिया है, अभी सिर्फ मैंने पटकाना ही बनवाया है। और रात को हम लेट सोए थे रोटी खा के, लेकिन फिर भी सुबह उठ के मेरे को भूख लग चुकी है। हेलो गाइस, तो मैंने अपने लिए बनवाया है आलू का परांठा। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह की शुरुआत भी हो चुकी है। और रोज की तरह मैं बैठा हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट की वेट करते हुए। ब्रेकफास्ट मेरा आ चुका है, आलू वाले परांठे। और रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। मुझे लगता है जब तक दिवाली रहेगी तब तक लेट होते रहेंगे, क्योंकि आज भी मार्केट जाना है। मार्केट का काम इतना पेंडिंग था, कल वेनसडे, पता ही नहीं चला कब छुट्टी आई और कब छुट्टी रात को ख़त्म हो गई। तो सुबह तैयार होकर निकल के, जैसे कल का व्लॉग आपने देखा था, गेस्ट वगैरह आए हुए थे, फिर मैंने गाड़ी लेने जानी थी। मेरी गाड़ी जो ठीक होकर आ चुकी है, और उसके बाद मार्केट में सामान वगैरह लेने, दिवाली की शॉपिंग वगैरह करनी, अभी वो भी पेंडिंग है। रोज़ अलिन कह रही मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला, दिलाऊँ कहाँ से? टाइम तो मिले दिलाने का, 8:15 में घर पे आता हूँ, फिर उस टाइम मार्केट जाऊँ। बस अब आज भी एक दो काम हो रहा है उनके। एक्चुअल क्या, लड़के वाले जोन से है वो यमुनानगर से है, तो वो जिम्मेदारी हम पर छोड़ गए कि हमारा बैंड बाजे वाला बुक करा देना, क्योंकि कल टाइम था नहीं। उनको ना रूम्स वगैरह हम दिखा रहे थे, होटल्स जहाँ पर उन्होंने स्टे करना था, तो कल रात को वो निकल गया। फिर वो लेट हो रहे थे, पसंद उनको आ गए थे, मैं क्या बुक करने के लिए बोल के, मैं कहा चलो हम बुक कर दें, पहले हम अपना फंक्शन जहाँ पे वो बुक करें उस हिसाब से फिर होटल से बुक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना, फिर हमारे बैंड बाजे भी बुक करा देना। अब बैंड बाजे बुक कराने के लिए देखते हैं, अब आज जाते हैं। वैसे कोशिश है कि आज चले, क्योंकि फरवरी में जब मैरिज है बहुत रश वाला दिन है और बहुत तगड़ी बुकिंग चल रही है उस टाइम पर, फिर मिले ना मिले खड़े पैर फिर दिक्कत हो जाए। तो आज बैंड बाजे वाला बुक कराने जाएंगे रात को, उसके बाद फिर टाइम मिलता है फिर मार्केट भी जाना है, कल फिर होटल्स बुक कराने जाने हैं। तो डेली पे डेली बहुत ज़्यादा भी काम पेंडिंग है, उसके बाद फिर शॉपिंग शुरू होएगी। अभी नवंबर में एक फंक्शन और आ गया, नवंबर में फंक्शन में भी जाना है, वो भी दिल्ली से बाहर है। चलो देखते हैं कैसे है। ड्रेस तुमने खुद लेनी है, मैंने कोई नहीं दिलानी है, टाइम ही तो नहीं मिल रहा। चलो देखते हैं, यहाँ पे मेरा बटर भी मेल्ट हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो आलू वाला परोंठा, बटर हो रहा है यहाँ पे मेल्ट, टीवी मैंने चला दिया साथ में। तो अभी डुगू जा चुके हैं जिम, और क्या ही बोल रही हूँ यार, मैं डुगू जा चुके हैं शोरूम पे, मैं जा रही हूँ जिम। जिम जाने के लिए हो चुकी हूँ मैं रेडी। सो गाइस, जिम से मैं वापस आ गई थी 12:30, और मैं 10-15 मिनट नीचे बैठ के दीदी से बात करती रही, नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर पे दीदी रहते हैं उनसे। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई, आके मैंने अपने और जप्पू के लिए लंच बना लिया है। मैंने कहा लंच पहले बना लेती हूँ, आके दिल नहीं करता, तो आलू के परांठे बना लिए मैंने अपने और जप्पू के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही कि हम लोग रात को लेट आए थे, तो कोई सब्जी तो मैंने बनाई नहीं थी। तो सुबह भी जप्पू आलू का परांठा खा के गया, तो अभी भी आलू का परांठा बना लिया मैंने, तो अभी हम लंच कर लेंगे। डुगू को लंच मंगाना नहीं था, तो फिर यही होता अगर घर पे जो भी होता वो बचा कुचा खा लेता बंदा। तो अब मैं जा रही हूँ जप्पू को स्कूल लेने। नंगू पुंगू जपना स्कूल से आ गई है। हेलो गाइज, क्या हाल चाल? जप्पू तो एनुअल फंक्शन की तैयारी, कहाँ दौड़ रहा, बात तो कर ले इधर आके। जप्पू तो लगा हुआ अपने एनुअल फंक्शन की तैयारी में, है ना? किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है अभी तक मुझे भी नहीं पता, पहली बार पता लगेगा, पहली बार बोल रहा है। और प्रभात फेरी। अच्छा प्रभात फेरी भी होनी है, अच्छा भंगड़ा भी होना है। हम जैसे एनुअल डे है, जब एनुअल डे होगा जो स्टेज होगा हम स्टेज पे 3 बार आएंगे। अच्छा, एक बार प्रभात फेरी में, एक बार डांस में, और एक बार उसमें फाइट होगी लास्ट में, तो हम साथ में आएंगे। डांस कौन से गाने पे कर रहा है? चल मेले नु चलिए, और ढोल है, ढोल भी है। और प्रभात फेरी, प्रभात फेरी पे शबदा बोबला, सतनाम वाहिगुरु, चल नानक आएगा, ऐसे वाले नानक आए, ऐसे वाले कौन सा नानक आए ने, नानक आए ने, ये कौन सा शब्द है? ये वाला ही है, भूल गया मैं। कल तारन गुरु नानक। हाँ, हाँ, कल तारन गुरु नानक आए, वो बोले। हाँ, हाँ, और बस म्यूजिक में अभी पता नहीं चला, क्योंकि अभी तो तीन तीन ड्रेसेस चेंज करेगा। तीन तीन ड्रेस चेंज नहीं करनी, प्रभात फेरी और भंगड़ा की तो सेम ड्रेस है, बस म्यूजिक की चेंज होगी। अच्छा,
मतलब वो स्टार्टिंग में जो पिछली बार आया था स्ट्रोम म्यूजिक में, फिर लास्ट फाइनल फिनाले में भी आएगा। चल मोटे। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 6 और मैं अभी नहाई हूँ, जस्ट नहा के रेडी हुई हूँ, क्योंकि ना आज एक ही बैच था ट्यूशन का, दूसरा बैच था नहीं, तो मैं 2:30 बजे जप्पू को, 2 बजे जप्पू को स्कूल से लेके आई। उसके बाद मैं रोटी खा के हम दोनों, मैं आपको आपको मैंने आफ्टरनून में बता ही दिया था कि मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, तो वो हम दोनों लंच करके और दोनों ही सो गए। तो मैं तो आधा घंटा सोई, 3 बजे मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए, पर मुझे आधा पौना घंटा रेस्ट मिल गया। तो ये महाराज जी अभी तक सो रहे हैं, ये देखो 3 बजे का सोया हुआ ये बच्चा, 3 से भी पहले ही सो गया था। नहीं, ये 3 बजे सोया, मैं 2:30 बजे सो गई थी, 2:30 बजे सोई तो 3 बजे उठ गई थी, तो ये 3 बजे सो गया और अभी 6 बज चुके हैं। 3 घंटे से, पिछले 3 घंटे से सो रहा है, अभी बिल्कुल नहीं उठने वाला, जितनी मर्जी इसको आवाज़ें मार लो पर ये नहीं उठने वाला। पर मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि सुबह से आपको पता है जिम विम जाओ तो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हुई होती है, पर मुझे आज एक सोने का लालच आ रहा था कि मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं सो लेती हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, तो इसलिए मैं तो सो गई थी आफ्टरनून में। बाकी अभी जस्ट नहा के आई हूँ, और एक्चुअली में ना थोड़े दिन पहले किसी का कमेंट आया हुआ था, 2-4 दिन पहले मुझे रिप्लाई करना था, पर मैं एकदम से बिजी थी तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। किसी ने पूछा था कि आफ्टर 6 मंथ बेबी को आप क्या देते हो, प्रिया की बेटी 6 मंथ की हो चुकी है, इवन 7 मंथ की हो चुकी है, तो उसको आप क्या देते हो। वैसे पर्टिकुलरली मुझे इतना खास पता नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पे ज़्यादा मेरी कभी बात हुई नहीं प्रिया से। वैसे मे बी वो देती है दलिया, देती है शायद खिचड़ी देती है, और सेरेलेक नहीं देती, वो घर पे उसने दाल वगैरह पीस के और वो वैसे करके कुछ देती है, मतलब दाल वगैरह देती है उसको, और मे बी शायद बनाना भी दे देती है मिल्क में, और शायद दूध बिस्किट भी देती है। तो बाकी जब मुझे प्रिया मिलेगी ना, तो मैं आपसे उसी से पूछवा दूंगी कि वो क्या देती है अपनी बेटी को, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उसको पता है, क्योंकि है तो वो हम सबकी बेटी है पर हमारे पास रहती ही नहीं है। डुगू का बहुत मन होता है उसको मैं अपने पास ले आऊं, पर ला नहीं सकते, डुगू की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा। देखो डुगू की कॉल आ गई, पहले मैं डुगू से बात करती हूँ, देन मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। सो गाइस डुगू ने तो चिड़के फ़ोन काट दिया है, चिड़के भी नहीं काटा एक्चुअली, डुगू ने मेरे को किसी काम के लिए बोला था, तो डुगू कहते हैं हरलीन इसे फ़ोन करके ज़रा रेट पूछना किसी चीज़ का, तो मैंने फ़ोन पे रेट पूछा और मैंने डुगू को ना जब बताया तो मैंने 4 गुना ज़्यादा रेट बताया, मतलब डुगू को डराने के चक्कर में। डुगू कहते पागल होगी हो क्या, मैंने कहा पागल होगी, मैं खुद से बात कर लो। साथ ही डुगू ने फ़ोन काट के, फ़ोन डुगू का बिजी आ रहा, पता नहीं उनको फ़ोन कर ही ना दिया हो, और मेरे को तो उन्होंने बहुत कम रेट बताया था और मैंने डुगू को उसका 4 गुना बताया। अब देखो पोल खुलेगी आगे कि नहीं खुलेगी, हो सकता है डुगू ने किसी और को भी कॉल करी, क्योंकि बीच में कोई और भी काम चल रहा था अपना शोरूम का भी डुगू का, तो वही चीज़ है कि देखते हैं। अब दोबारा बात करूंगी डुगू से, तो अभी जस्ट मैं फ्री हूँ और मुझे ना कुछ और भी रिप्लाईज करने थे। किस चीज़ का रिप्लाई करना था, या मुझे एक चीज़ का और रिप्लाई करना था, जो मैंने कमेंट्स रीड किए थे अभी कलेक्शन में, जो नैना के इन लॉज आए हुए थे उसके रिगार्डिंग किसी ने कमेंट किया हुआ था कि वो मामा मामी किसके हैं, मेरे हैं या डुगू के हैं या किसके हैं, मतलब ऐसा सा कुछ सीन हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं ना, तो वो मेरे रियल मामा मामी हैं ना ही वो डुगू के मामा मामी हैं, वो हैं मेरी कज़न, जो मेरी इस साइड से इन लॉज की साइड से मेरी मामी सास हैं, उनके मामा का बेटा है वो, मतलब मेरी जो बड़ी मम्मी आती है ना उनकी जो बड़ी वाली बहू है सिमरन मामी, वो मेरे ताई जी की बेटी हैं, तो मेरी ताई जी के ब्रदर का बेटा है वो, उससे नैना की मैरिज हो रही है। तो वो हमारे साइड से कुछ नहीं, मतलब मेरा कज़न ब्रदर है और सिमरन मामी का भी कज़न ब्रदर है, वो उनके मामा का बेटा है, तो हम दोनों कज़न सिस्टर हैं, तो वो मेरे भी मामा का बेटा हुआ, तो हम सब मतलब घर के पास में ही रहते थे ना, वो ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, तो वो बचपन में मेरे जितना ही है वो, तो बचपन में हम लोग साथ में खेले हैं, साथ में बड़े हुए हैं, तो इसलिए एक दूसरे के साथ थोड़ा बॉन्ड अच्छा था, क्योंकि सेम एज के बच्चों का आपको पता है बॉन्ड अच्छा होता है, तो हम तो सेम एज के थे, तो हम सब बचपन में एक साथ ही मतलब खेले हैं, बड़े हैं, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड किया है काफ़ी टाइम से। बीच में जब मेरी शादी हो गई तो थोड़े से डिस्टेंस हो गया, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था उसके साथ मेरा। तो उसके साथ नैना का रोका हुआ है और वो रहता पुर्तगाल है, और जो उनके मतलब मम्मा पापा हैं वो रहते हैं मुस्तफ़ाबाद, मतलब नियर अबाउट यमुना नगर के पास रहते हैं। तो वो कल आए थे क्योंकि शादी की डेट की अरदास करवानी थी, तो इसलिए वो सब आए थे, तो वो मेरे मामा मामी हैं बट कज़न मामा मामी हैं,
तो वो नैना के मामा, मतलब वो तो यार अगर डुगू के मामा मामी हुए तो वो तो फिर बहन भाई वाला रिलेशन हो गया ना, तो उसमें नहीं है वो, उधर से मेरे कज़न मामा मामी है। तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया रिश्ता, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं घिया चने की दाल बना लूँ, तो मैं फटाफट से दाल रखती हूँ बॉयल करने के लिए, दिखा दूँगी क्या क्या रेसिपी नहीं क्या क्या चीज़ें मैं उसके अंदर ऐड ऑन कर रही हूँ। सो गाइस, लड़का सो के उठ चुका है, देखो अपना पटका कर रहा है सेट। कितनी नींद आती है तेरे को चप्पू? पता कितने बजे उठा है? 8:30 बजने वाले हैं। तो मेरी दाल बॉयल हो चुकी है, मैंने आपको कहा था मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी, सबको पता है यार दाल कैसे बनती है। दाल बॉयल हो चुकी है, बॉयल करने के लिए दाल में मैंने डाला आधा घिया, क्योंकि घिया बहुत बड़ा था, और आधा घिया डाला और एक कटोरी चने की दाल, उसके अंदर 3 से 4 कलियां बड़ी बड़ी वाली लहसुन की, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 हरी मिर्ची, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और हल्दी डाल के मैंने 2 सीटी दिलवा के 20 से 22 मिनट दाल को सिम पे रखा। तो दाल मेरी हो चुकी है बॉयल, बस दाल को तड़का लगाना है। तो अभी डुगू आने वाले हैं नीचे, और कॉल आती होगी 2-4 मिनट में, तो अभी हम लोगों ने फिर नीचे उतरना, क्योंकि आज मैंने मार्केट जाना है शॉपिंग करने, अगर डुगू ले जाए तो, बाकी देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। इतने ड्रामे है ना इसके, पास में आगे खड़ा हो गया, ये देख लो, इतने में बिस्किट डाल दी, पर नहीं खाने इसको, दूध पिएगा तभी ही बिस्किट भी खाने इसको। So guys, मेरे पापा आ चुके हैं। Hello guys. बोलो, जब मेरे को दिखता ही नहीं है। मैं क्या करूँ? तो घर आकर मैं घर नहीं रहूँगा आपसे। अभी पापा घर आ चुके हैं और हमने एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला काम भी करनी है। कोई बड़े गुरुद्वारा गए थे, देखा सबको पता लग चुका है मीडिया। तो गुरुद्वारे तो हो गया देखने, अभी नहीं हुआ, अभी कल परसों डिसाइड होगा वो भी। तो मैंने अपना लगवाया है टेम्पर, वहाँ पर हरलीन भी आ गई अपना टेम्पर लगवाने के लिए, बैठे हम आराम से यहाँ पे, और जब वो अपना फोन कर लेने आया कवर J7 डाटा केबल भी लेने आया यहाँ पे। सो गाइस, मार्केट हो गई थी बंद, और जेब जो पैसे निकले भी रुको मेरे, ऐसा ही बहुत है, जेब जो आपके निकली अंदर, अरे मैंने अपने इसमें से फ़ोन निकाला था ना तो निकल गए। तो अभी मार्केट तो हो गई थी बंद क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, तो हमारे यहाँ पे लगती थर्सडे मार्केट, तो हम लोग थर्सडे मार्केट गए थे, वहाँ से मुझे कुछ किचन के लिए जो डिब्बियाँ वगैरह थी वो चेंज करनी थी, तो वो मैंने ले ली हैं, वो घर पे रखा है हम लोग, हमारे यहाँ गाड़ी में राउंड मारना क्योंकि हमारी गाड़ी 1 से 1.5 महीने के बाद आई है पूरे, हाँ एक महीने के बाद आई है, तो हम लोग गाड़ी में राउंड मारने के लिए निकले हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना हम घूमे नहीं थे कहीं पे, बुलेट पे जा रहे थे। बोला आपने बैटरी लगाई अपनी गलियों में, ये कोई बाहर मेन रोड पे अपनी नहीं गलियों में ही आप देख सकते हो, और बाहर हाईवे पे नहीं है, 20-30 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, बस हाईवे पे नहीं है, गलियों में ही है मेन, इसलिए बस 2-4 राउंड मार के वापिस चले जाएंगे, फिर मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि मैं कौन से बॉक्स लेके आई हूँ। तो टाइम देखो अभी हो चुके हैं यहाँ पे 11:30, हम यहाँ पे देखने हैं प्रिया के लिए मिक्सी स्काईलाइन की, देखिए यहाँ पे देखिए हमें शॉप खुली हुई, और भैया से पूछा भैया कितने बजे, भैया कहते हम 12:30 तक खुले, कल 2 बजे गए थे रात को, और ये सारी वैरायटी यहाँ पे देख रहे हैं, जब पूरी मार्केट खुली हुई है यहाँ पे, तो ढूंढ ली ना मैंने मार्केट, तो अब जा रहे हैं स्टेयर्स में ऊपर सामान देखने के लिए, और चप्पू सही है ना, रात को आराम से शॉपिंग करो, है ना, ये गिलास अच्छे लग रहे हैं सामने वाले, ये देखो क्रोकरी देख के आपका दिल खुश ना हो जाए फिर बोलना ये गिलास अच्छे हैं गिलास वेयर। तो ये देखो एक बार क्रोकरी का सारा सामान, ड्राई फ्रूट ट्रे कितनी सोनी लग रही है, जगह भी होनी चाहिए रखने के लिए, ये देखो ये देखो ये होती है चीज, एक नंबर चीज ये है, ये गिलास, ये क्या है, पानी, वो कुछ भी रखो, पानी रखो, जूस रखो, ये रखे सारे बॉटल्स वगैरह सारे गिलास, जब वो हाथ नहीं लगाने किसी को, किसी तो गिरे हाथ पीछे रखी है अपने, तो ये डिनर सेट हल्दी नहीं, ऐसा डिनर सेट हमारे पास ही ना, ब्लैक वाला हमारे पास है, ब्लैक ये ब्लैक वाला हमारे पास है। तो हमने यहाँ पे ले लिए कुछ गिलास, लेकिन यहाँ पे सही बताओ इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, बहुत वैरायटी है यहाँ पे, घोड़े वाले मंदिर के पास शॉप्स है यहाँ पे, बहुत वैरायटी है। तो लेकिन लेने आए थे यहाँ पे स्काईलाइन मिक्सी प्रिया के लिए, अभी हरलीन अपना देख रही है, और एक वो गिलास भी ले लिए हमने गिफ्ट के लिए, तो देखते हैं किसको क्या क्या देना है, घर जाके करेंगे डिसाइड। ये भी शुक्र है कि रात को, ये देखो 11:30 बजे हमें सामान मिल गया। हम लोग निकले थे राउंड मारने के लिए, पर हम तो दिवाली की शॉपिंग ही करने लग गए,
थोड़ी सी दिवाली की शॉपिंग करी, एक शॉप हमें खुली हुई मिली, पर यार उसके पास क्रॉकरी, डुबू मजा आ गया ना सच्ची में देख के, एक नंबर क्रॉकरी थी, दिल खुश हो गया देख के। एक डिनर सेट देखा मैंने, इतना दिल खुश हो गया, 14,000 रुपए का, बहुत सुंदर, जगह नहीं थी तो मैं ले लेता 14,000 का डिनर सेट, मैं तो ना लेने देती, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मैं लेने ना देती, अच्छा? बड़ा यूज भी नहीं होता ज्यादा, अच्छा था। हमने लिए अपने लिए आइसक्रीम जप्पू ने रॉकी रोड, मैंने मैंगोज है, वैसे हमने एक ब्रिक भी ली है अमेरिकन नट्स है अमर की, वो हम खाना खाने के बाद खाएंगे, अभी हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि मैं गया चने की दाल, घिया चने की दाल बना के आई हूँ, साथ में डुगू कह रहे मेरे को पराठा बना के देना है ना, हल्के हल्के डुगू को लगी है खांसी, इसलिए डुगू ने आइसक्रीम मिली है, तो गाइस आप देख सकते हो हमारी शॉपिंग, ये देखो ये वाले लिए हैं हमने कोल्ड ड्रिंक वाले ग्लासेस ले लिए हैं, पर देने किसके हो ये नहीं पता, बस समझ में जो चीज आई वो ले ली, हमारे पास बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो चुके हैं, और यहाँ पर लिया मैंने एक क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते थे डुगू इसको, भूली, ब्लेंडर सॉरी, एक लिया यहाँ पे ब्लेंडर, और ये लिया प्रिया के लिए जूसर वाली मिक्सी, तो प्रिया ये डिसाइड है कि ये प्रिया को ही देनी है, तो प्रिया के लिए जूसर वाली मिक्सी ली है, और यहाँ पर लिया है ये देखो मेरा वो जो डिब्बियों वाला सेट है ना वो टूट गई है उसकी डिब्बियाँ, तो ये लिया मैंने न्यू, ओ ये न्यू सेट ले लिया है मैंने, ये देखो ये वाला, इस बार कलर भी यही है ब्राउन कलर, और ये डिब्बे मैंने लिए हैं दो, ये वाले चार डिब्बे लिए हैं सेम, और तीन ये वाले बड़े डिब्बे लिए हैं मैंने, ये वाले ये देखो, और मतलब ये वाले चार डिब्बे लिए हैं और वो वाले तीन डिब्बे लिए हैं, तो बस यही कुछ शॉपिंग हम लोग आज करके आए हैं, होप सो आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर दबाना, पूरे बेड पे गंदी गंद मच चुका है, जा रही हूँ किचन में परांठा बनाने के लिए, तो ठीक है गाइज मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।